हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अमेजन से मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया था, वो है क्रिएटिन। मैं आज फुल्ली आपके सामने इसे आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, ताकि हम देखेंगे कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या फेक है। गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं, देखिए हम देखेंगे गाइस कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या फेक है। अमेजन का पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, अच्छे से देखिए, इसमें इसका बिल भी है। फिलहाल इसका रेट है गाइस 179, डिलीवरी चार्ज मिला के 219 रुपये पड़ा मुझे। ये मार्केट में सबसे अच्छा और चीपेस्ट क्रिएटिन है गाइस। देखिए क्रिएटिन मानव हाइड्रेट, ये देखिए गाइस, इसमें बारकोड भी है। अपने मोबाइल के ऐप से आप बारकोड स्कैनर डाउनलोड करके इसे आप स्कैन कर सकते हो। ये है अमेजन से मैंने अभी मंगवाया है, मसल ब्लेच का क्रिएटिन। ये चीपेस्ट फॉर्म में क्रिएटिन है गाइस, 100 ग्राम है ये क्रिएटिन। क्रिएटिन का फॉर्म दो फॉर्म में मार्केट में क्रिएटिन आता है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन आता है माइक्रोनाइज। सो ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है गाइस, इसे देखते हैं खोल के। स्टिकर, पैकेजिंग, स्कैन, इसका जो एक्सपायरी डेट रखी है, एक्सपायरी डेट को भी आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए गाइस, आई एम सो हैप्पी, मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट मिला। ब्लेच का एक चीज होता है इसमें, आप इसमें एसएमएस करके कोड, मतलब ये कोड को एंटर करके आप इसमें एसएमएस कर सकते हो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। मसल ब्लेच की कंपनी से रिप्लाई आता है। और मैं अमेजन से गाइस, फिलहाल मसल ब्लेच हमारा इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड का जो मसल ब्लेच, इंडियन ब्रांड में जो अमेजन का आता है मसल ब्लेच का, कभी फेंक नहीं निकलता। क्रिएटिन का काम क्या है हमारे बॉडी में, मैं आपको समझा देता हूं। आपको मार्केट में बहुत सारा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मिल जाएगा, जैसे आप हो गया BCAA हो गया, या बहुत महंगा महंगा सप्लीमेंट आता है। लेकिन क्रिएटिन का दो फॉर्म आता है, क्रिएटिन माइक्रोनाइज और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो ये इंडियन का जो मसल ब्लेच क्रिएटिन है, सबसे चीपेस्ट और सबसे अच्छा क्रिएटिन है, इफेक्टिव वाला। आप क्रिएटिन का बहुत सारा रेट आता है, जैसे 500 से लेकर 1000 रुपया तक क्रिएटिन आता है, लेकिन क्रिएटिन में आप इतना खर्च क्यों करोगे? हमारा इंडियन ब्रांड ही बेस्ट है, और इससे सस्ता क्रिएटिन तो आपको नहीं मिलेगा। इससे 100 ग्राम का क्रिएटिन है, ये 33 सर्विंग है इसमें, मतलब एक महीने से तीन दिन आपको ज़्यादा चल जाएगा ये क्रिएटिन। एक महीने का क्रिएटिन बहुत सारा मतलब मार्केट में अवेलेबल है, जिसका रेट 500 600 1000 रुपया तक में मिलता है, लेकिन ये क्रिएटिन वाइज सबसे बेस्ट है, और मुझे तो बेस्ट लगा। मसल ब्लेच हमारा इंडियन ब्रांड है, ये कोई ब्रांड का प्रमोटिंग नहीं है गाइस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये खुद मंगवा के यूज कर चुका हूँ। और मसल ब्लेच का हमारा इंडियन ब्रांड का जो क्रिएटिन है, सबसे चीपेस्ट और सबसे इफेक्टिव वाला क्रिएटिन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार यूज कर चुका हूँ इसका, ऑनेस्टली आपके सामने इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ आज। फ्रेंड्स क्रिएटिन का काम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं, मान लो आप चेस्ट वर्कआउट करने में 70 किलो को आप, या 50 किलो को आप, मतलब 10 रेप्स या 8 रेप्स आप निकालते हो मुश्किल से। सो क्रिएटिन यूज करने के बाद आपको शरीर में जो एनर्जी बूस्ट होगा, शरीर में जो आपका एनर्जी बूस्ट होगा, तो आप 70 kg को या 50 मतलब जो kg है उसे आप आसानी से मतलब 12 से 15 रेप्स आप निकाल पाओगे। मतलब जो वर्कआउट करने में आपको इतना स्टेमिना मिलेगा ना गाइस, आप 15 रेप्स आसानी से निकाल पाओगे। जिम जाने में हमें क्या होता है कि हम पार्टनर के थ्रू हम लिफ्टिंग करते हैं, मतलब कोई भी अपना हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको हेल्प करता है आपका पार्टनर। लेकिन गाइस आप बिना पार्टनर का भी आप इसे, मतलब आप जितना अपना कैपेसिटी होगा उससे 2 गुना ज़्यादा आप इसे यूज करके क्रिएटिन को, अपना स्टेमिना को, एनर्जी को बूस्ट कर पाओगे। और जो डायरेक्टली मिथ है मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। लोग बोलते हैं क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है, फेक गाइस, वो बिल्कुल फेक है। क्रिएटिन से किडनी डैमेज नहीं होता, आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिएटिन जब भी आप यूज करोगे, क्रिएटिन लो या कोई भी सप्लीमेंट लो, बस आपको आपके शरीर में पानी का वाटर लेवल जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। 3 से 4 लीटर आप पानी पियो, गर्मी का मौसम है तो 6 लीटर, आप 6 से 7 लीटर भी पानी पी सकते हो, गर्मी का मौसम है गाइस अभी। क्रिएटिन का काम 100% ये है कि हमारे जो मसल्स में है वाटर को होल्ड करता है। तो क्रिएटिन यूज करने के बाद आपको आपके मसल थोड़ा ग्रो हुआ, मतलब थोड़ा मस्कुलर लगेगा, क्योंकि वाटर जो है पानी में होल्ड होगा। और आप गाइस, क्रिएटिन हमारा एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और स्टेमिना को इंक्रीज करता है। तो जो लोग जिम जाते हो, जो लोग वर्कआउट करते हो गाइस, उन लोगों को अगर हैवी लिफ्टिंग करना है, अपना मसल को ग्रो करना है,
तो क्रिएटिन को आप जरूर यूज करो। क्रिएटिन बहुत इफेक्टिव वाला सप्लीमेंट है और क्रिएटिन यूज करने से गैस आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपका बहुत कुछ इंक्रीज मतलब बॉडी का इंक्रीज एनर्जी लेवल बूस्ट होगा।